महाराष्ट्र के पुणे में हुए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो 2022 की सेमिनार के उद्घाटन पर पहुंचे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जैन समाज द्वारा देश की प्रगति में योगदान की प्रशंसा करते हुए समाज को संगठित होकर सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो 2022 का 3 दिवसीय सेमिनार महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया, जिसके उद्घाटन के अवसर पर 6 मई को पहुंचे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जैन समाज के राष्ट्रीय योगदान की प्रशंसा की। ईमानदार रहना, सत्य बोलना, विनम्र होना, क्षमाशील रहना, निस्वार्थ रहना, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित और जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, दूसरों के प्रति सम्मान रखना, जैन धर्म इसी नैतिक गुणों का आदर्श के रूप में पालन करता है। अहिंसा परमो धर्म, इसका अनुकरण अपने जीवन में करते हैं और इसलिए मुझे विश्वास है कि विशेष रूप से हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव हमारे युग में बढ़ रहा है और उसी समय जब यह परिस्थिति भगवान महावीर जी का जन्म हुआ उस समय की परिस्थिति भी लगभग ऐसी थी और इसलिए पूरे दुनिया को और दुनिया की समस्याओं को समझते हुए उनने सत्य और अहिंसा का पाठ हम सबको दिखाया। मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए जैन समाज में रॉ मटेरियल मौजूद है। कि हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, सुपर इकोनॉमिक पावर, और ये पावर बनाने के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल कहीं अवेलेबल है तो वो जैन समाज में है, ये मैं मानता हूँ। आपके जीन में ही कुछ बातें ऐसी नेचुरल कोर्स से आ जाती है कि आपको बिजनेस सिखाना नहीं पड़ता। आप नौकरी मांगने वाले नहीं होते हैं, आप नौकरी देने वाले होते हैं। कार्यक्रम के अवसर पर आयोजक समिति की ओर से स्मृति चिन्ह एवं तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा भेंट कर सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत एवं सम्मान किया गया। जैन फोकस के लिए पुणे महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।